हेलो बच्चों आज इस वीडियो में क्या करेंगे एक इंटीग्रल का एग्जांपल सॉल्व करेंगे फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल क्या इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस करके है और इधर स्टैंडर्ड फॉर्मुला यूज करके हम सॉल्यूशन पा सकते हैं ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है नाउ अभी क्या करें थ्री टर्म है ना अलग अलग करेंगे सो दैट इज इजी टू इवेल्युएट सो इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स डी एक्स मतलब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री कॉस एक्टर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट एक्स डीएक्स इसमें टू इसमें थ्री इसको बाहर लेंगे हम ठीक है सो आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स प्लस ये तो सेम ही इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्टू एक्स डीएक्स ए भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला गया ए भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले में करना पड़ेगा आपको पता है और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एस टू एन डी एक्स का एक्स एस टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी यही फॉर्मूला फार्मूला फर्स्ट इधर अप्लाई करना पड़ेगा ए तो डायरेक्ट हमको मिल जाएगा दैट इज इकॉल टू टू इन टू इसका डिग्री क्या है वन है एक्स का मतलब इसका डिग्री वन होगा एन के जगह में वन डालो दैट इज ए

प्लस सी इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करके इंटीग्रल इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स भी दीजिए सब्सक्राइब किया तो आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा आपको दूसरी मैथमेटिक्स वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्लेस में जाइए आई बटन में भी कुछ लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है थैंक्स फॉर वॉचिंग